अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिक्रियू गेज। सिक्रियू गेज जो है वो एक मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा स्मॉल लेंथ को एक्यूरेट फाइंड कर सकता है। ये भी लेबॉरेटरीज में इस्तेमाल होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेटल की जो वायर वगैरह होती हैं या कॉपर वायर, उनकी लेंथ को, उनके डायामीटर को मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई मेटल शीट जो धाती शीट्स होती हैं उनकी जो मोटाई है या उनकी विड्थ मालूम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक यू शेप का धाती आला है, धाती इंस्ट्रूमेंट है, मेटल का बना हुआ होता है। और ये देखें, ये जो है इसका यू शेप, इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि ये इसके जो बॉडी है वो यू की शक्ल में बनी हुई है। यहाँ से ये इसका एक स्टड है, इसको स्टड कहते हैं। यहाँ पे कोई भी वायर या जिस भी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ मेजर करनी है उसको यहाँ पे प्लेस किया जाता है और फिर इसको क्लोज कर दिया जाता है और फिर रीडिंग फाइंड की जाती है। ये जो है हमारे पास, इसको हम स्पिंडल कहते हैं, और ये स्केल हमारे पास जो है वो मेन स्केल कहलाता है। और इसकी लाइन, ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये इंडेक्स लाइन है इसकी। और ये स्केल जो है वो सर्कुलर स्केल है। और ये वैसे एक जो है हालो सिलेंडर होता है, इसको स्लीव भी बोला जाता है। ये हमारा होता है सर्कुलर स्केल और इसको 100 डिवीजन में डिवाइड किया गया होता है। मेन स्केल पे हमारी जो लाइंस हैं वो मिलीमीटर्स में हैं और इसको हम 100 डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया गया। और ये इसका थंबल है, ये पोर्शन जो है यहाँ तक, ये हिस्सा, ये इसका थंबल है। इसको हम बोलते हैं रिजिट, ये रिजिट है इसका। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करते हैं तो इससे पकड़ के हम उसे क्लोज करते हैं। जब ये टोटली, ये देखिए, ये टोटली क्लोज हो जाएगा तो इससे एक थोड़ी सी जो है वो आवाज पैदा होगी। ये तो इसका मतलब है ये फिक्स हो गया, ये जेंटली क्लोज हो गया और हम यहां से रीडिंग को फाइंड कर सकते हैं। और इससे हम 0.01 mm, हम जो सिक्रियो गेज वर्नियर कैलिपर से रीडिंग नोट करते थे, सबसे कम वो थी हमारी 0.1 mm, और इससे हम 0.01 mm तक करेक्ट जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट डिस्टेंस, वो लेंथ या फिर डायामीटर जो है वो मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें भी जीरो एरर होती है। बहुत सारे जो सिक्रियो गेज हैं उनमें जीरो एरर होती है और कुछ में नहीं होती। इसकी जीरो एरर फाइंड करने का तरीकेकार ये है कि हम इसको जेंटली क्लोज कर देंगे, ये स्पिंडल और स्टड आपस में मिल जाएं और इनके दरमियान कोई डिस्टेंस ना रहे, ये जेंटली क्लोज हो जाएं, तो ये जो है इंडेक्स लाइन के बराबर हो। अगर जीरो का निशान जो हमारी डिवीजन्स थी सर्कुलर स्पेस स्केल पे, वो बिल्कुल जो हमारी इंडेक्स लाइन है उसके एन सामने हो, बिल्कुल बराबर हो, तो जीरो एरर नहीं होता। हाँ, अगर वो नीचे रह जाए यानी वहां तक ना पहुंचे तो हमारी जो जीरो एरर होती है वो पॉजिटिव जीरो एरर होती है। और अगर ये मतलब आगे निकल जाए तो हमारी जो जीरो एरर होती है वो नेगेटिव जीरो एरर होती है। अगर ये पीछे की तरफ ही रह जाए, हमने बंद कर दिया और ये जीरो निशान इंडेक्स लाइन से नीचे रह गया है, तो हमारी पॉजिटिव जीरो एरर ये कहलाएगी। और अगर इसको क्लोज करें और ये जीरो एरर ऊपर चली जाए तो ये हमारी नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगी। ये था हमारा सिक्रियू गेज, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये लेबॉरेटरीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, सिक्रियो गेज था आज का हमारा टॉपिक, वर्नियर कैलिपर हमने कल पढ़ा था। तो सिक्रियो गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा स्मॉल जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है लेबॉरेटरीज में इस्तेमाल होता है। ये वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा स्मॉलेस्ट एक्यूरेट जो है हमें मेयरमेंट्स देता है। मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, स्मॉलेस्ट जो है लेंथ को मेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्मॉलेस्ट यानी कि वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा स्मॉल जो है वो हमें मेयरमेंट्स का आंसर करेक्ट देता है। अच्छा, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर जो था वो तो मैंने आपको बता दिया था।
एक बात हमारी रह गई थी इसके पिच के बारे में। पिच क्या होती है इसकी, जो लाइन जो हमारी मेन लाइन थी एक इंडेक्स लाइन, उसके ऊपर लाइंस जो लगी हुई थी उन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम पिच कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड्स, वो जो लाइंस लगी हुई हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच कहते हैं। तो एक पिच जो है वो 1 mm की इक्वल होती है, मीन्स वो जो डिस्टेंस होता है वो 1 mm के बराबर होता है। अब जो है इसका भी हमने लीस्ट काउंट मालूम करना होता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट जो हमारी वैल्यू जिसको हम एक्यूरेट काउंट कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ये होता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, मतलब स्क्रू गेज की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट जिसका होता है पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजंस, डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ये एस स्केल के लिए मैंने बता दिया। सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजंस होती हैं उससे डिवाइड किया जाता है पिच को। पिच है हमारे पास 1 mm डिवाइडेड बाय 100, 100 पे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.01 mm, यानी कि इतनी स्मॉल जो है हम वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं इससे स्क्रू गेज के जरिए। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट या तो मिलीमीटर में हम लिख सकते हैं या फिर हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर, ये था इसका लीस्ट काउंट। अब हम इसकी एरर की तरफ चलते हैं। एरर्स भी मैंने आपको फिजिकली तो उस पे सिक्यू गेज पे बता दी है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज नॉट रीच, अगर वो हम क्लोज कर दें उसको, जेंटली क्लोज कर दें सिक्रियो गेज को, तो जो जीरो की लाइन है वो ना पहुंच सके मेन स्केल की जीरो की लाइन तक, तो वो जो एरर होगी वो पॉजिटिव जीरो एरर होगी और उसको हम प्लस के निशान से यानी कि सैंपल लगा देंगे उसके साथ। जितनी भी एरर होगी, जितने भी मतलब डिवीजंस वो नीचे रह जाएगा, मीन्स अगर 5 डिवीजन वो नीचे रह गए सर्कुलर स्केल की, 5 डिवीजन जीरो तक पहुंचने मतलब पहुंची नहीं है, नीचे ही रह गई है, तो 5 उसकी डिवीजन जो होंगी वो एरर होगी। और एरर को लिखने के लिए हम लीस्ट काउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.05, तो ये हमारी एक पॉजिटिव एरर बन जाएगी। तो उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है डिवीजंस को, और तभी हमारे पास जो एरर होती है वो आती है और फाइनल में फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज पास्ड जीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल के जीरो से वो गुजर कर आगे निकल जाए, तो जितनी डिवीजंस वो आगे निकल जाएगा सर्कुलर स्केल की डिवीजंस जितनी ऊपर चली जाएंगी मेन उसके मेन स्केल से, तो उतनी ही वो एरर जो है वो नेगेटिव एरर होगी। तो फर्ज करें कि अगर वो जो है 6 ही आप ले लेंगे, 7 डिवीजंस जो है वो ऊपर चली गई है मेन स्केल की जीरो की लाइन के, तो इसको भी हम पहले लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही हमारे पास वो जो एरर है वो निकलेगी। तो इसका लीस्ट काउंट था 0.01 mm, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो ये हमारे पास 0.07 जो है कि mm हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव एरर। ये थी हमारे पास लीस्ट सॉरी ये थी हमारे पास जीरो एरर, इसकी पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर।